गाइस, आज के सोडो में आपको ऐसे क्रीम से मिलवाने वाला हूँ। अगर आप उस क्रीम को यूज़ में लेते हो ना अपने चेहरे को गोरा करने के लिए, तो गाइस कुछ ही दिनों के अंदर आपकी स्किन गोरी हो जाएगी, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके प्लीज़ एंड तक देखें। तो गाइस, इस क्रीम का नाम है आवकोड़ा एक्स्ट्रा वाइटनिंग क्रीम। गाइस, मैंने आवकोड़ा क्रीम के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड की है, और गाइस इस क्रीम के ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको इस क्रीम के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि अगर एक दो वीडियो मैंने बना रखे हैं ना, उसमें कैसे आपको उतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि कुछ कुछ जो गाइस लोग होते हैं ना, न्यू सब्सक्राइबर होते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता है। गाइस, आवकोड़ा में ना दो टाइप की क्रीम आती है, एक आती है आवकोड़ा नॉर्मल और एक आती है आवकोड़ा एक्स्ट्रा वाइटनिंग। गाइस, जो आवकोड़ा जो नॉर्मल क्रीम होती है ना, उसके जो रिजल्ट है ना बहुत ही स्लो होते हैं, और गाइस जो आवकोड़ा एक्स्ट्रा वाइटनिंग होती है उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। मतलब कि आपके चेहरे को 10-15 दिन के अंदर ही गोरा कर देना स्टार्ट कर देती है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। और गाइस दोनों की जो प्राइस है ना अलग अलग है। जो आवकोड़ा एक्स्ट्रा वाइटनिंग है वो आपको 50 ग्राम पे आके आपको 600 रुपये के आसपास मिल जाता है, जो कि ठीक ठाक है। और जो आवकोड़ा जो नॉर्मल है ना गाइस, वो आपको 100 ग्राम का जो पे आके आपको 500 रुपये के आसपास मिल जाता है, जो कि गाइस आप देख सकते हो दोनों की जो प्राइस है ना बहुत अलग है। अगर आप अपने चेहरे को गोरा करने के लिए क्रीम यूज़ करना चाहते हो ना, तो आप गाइस आप आवकोड़ा एक्स्ट्रा वाइटनिंग यूज़ में लीजिए। गाइस उसके जो रिजल्ट है ना बहुत ही अच्छे, और आप स्क्रीन पे रिव्यूज़ देख सकते हो। जिन जिन लोगों ने भी इस क्रीम को यूज़ किया है ना, उन सभी को इस क्रीम से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। और गाइस मेरा होनेस्ट ओपिनियन, ये कोई फेक रिव्यूज़ नहीं है। गाइस बहुत अच्छी क्रीम है, आपके चेहरे को गोरा करती है, आपके स्किन को फेयर करती है। गाइस इस क्रीम के जो रिजल्ट है ना थोड़े स्लो आते हैं, ऐसा नहीं कि आपने इस क्रीम को यूज़ किया और आपको रातों रात गोरापन मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि ये जो क्रीम ना पूरी तरह से हर्बल है, बट अगर आप इस क्रीम को 2 महीने तक कंटिन्यूस कर लेते हो ना, तो गाइस आप देखना आपको इस क्रीम से काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप उसके बाद इस क्रीम को यूज़ करना स्टॉप भी कर देते हो ना, तो आपके चेहरे पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो काफ़ी सारी क्रीम्स आती है मार्केट में, जब तक आप यूज़ करते रहते हो ना तब तक आपके स्किन पर रिजल्ट रहता है, लेकिन गाइस इस क्रीम के साथ ही ना ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप भी अपने चेहरे को गोरा करना चाहते हो ना, तो आप इस क्रीम को बिल्कुल इसमें ले सकते हो। गाइस इन दोनों के इंग्रेडिएंट के बारे में बात की जाए, तो वैसे दोनों के गाइस इंग्रेडिएंट है ना लगभग सेम है, लेकिन गाइस जो आवकोड़ा जो एक्स्ट्रा वाइटनिंग है ना, उसमें थोड़े एक दो इंग्रेडिएंट ज़्यादा डाले, जिसके कारण उसकी जो प्राइस है ना थोड़ी ज़्यादा है। गाइस इसमें लाइकोपिन डाला है, जो कि आपके चेहरे को गोरा करता है, आपके स्किन को फेयर करता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। और गाइस ये जो क्रीम आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर आप इस क्रीम को 100% ओरिजिनल बाय करना चाहते हो ना, तो मैंने नीचे नंबर दे रखा है, इनसे आप बात करके डिस्कस करके आप इस क्रीम को 100% ओरिजिनल बाय कर सकते हो, ठीक है। और गाइस इस क्रीम का है ना किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल या ऑयली है, तो भी आप इस क्रीम को बिल्कुल इसमें ले सकते हो। और गाइस इसको है ना गर्ल्स बॉयज़ दोनों इसमें ले सकते हो, इसका किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है इस क्रीम के बारे में, नीचे कमेंट कर देना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, ओके बाय।